गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 100% देसी। बहुत हो गया ट्रेवल का व्लॉग, अभी फिर से हम लोग वापस आए हैं अपना फूड्स लेके। तो आज हम लोग आए हैं साउथ सिटी एरिया, जो है साउथ सिटी मॉल का जो एरिया है वहाँ पे ही आए हैं, मगर साउथ सिटी में नहीं, वहाँ से बस 30-40 सेकेंड्स का डिस्टेंस में ही एक कैफे में हम लोग आए हैं। कैफे का नाम है वर्ल्ड द कैफे, और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अंदर में ये कैफे में क्या स्पेशलिटी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वर्क द कैफे के अंदर, और यहाँ पर आके मैं रिलैक्स कर रहा हूँ इजी चेयर पे। फर्स्ट टाइम मैंने कोई कैफे में देखा है कि ऐसा एक इजी चेयर दिया गया है जहाँ पर आप इजीली आके रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके साथ तो एनवायरमेंट जो एम्बियंस बनाया गया है यहाँ पे उसके बारे में क्या कहना। अभी हम लोग खड़े हैं वर्ल्ड द कैफे के ओनर के साथ। आपका नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन बाद ही आए हैं, जस्ट न्यू ईयर 2022 का न्यू ईयर के कुछ दिन बाद ही, फिर भी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपका जो कैफे कितना साल पुराना है? कितना साल? हाल ही में तो बना है। हाल ही में बना है? हाल ही में बना है, एक महीने पूरा, एक महीने हो गया, एक महीने दो चार दिन हुआ। अच्छा अच्छा, वाओ। आपका तो यहाँ पर आके एडमिट देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आपका ये लोकेशन कौन सा है? मेरा लोकेशन प्राइम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये साउथ सिटी और जादवपुर थाना के बीच में पड़ता है। आप जादवपुर थाना से आइएगा तो आप साउथ सिटी को, साउथ सिटी के मोड़ के ठीक पहले एडीएफ नर्सिंग होम होता है, उससे लेफ्ट लीजिएगा डोमिनोज पिज्जा, वहाँ से स्ट्रेट आइएगा मेरे कैंप में। और मेरे जैसे कि यहाँ पर मैं खुद भी जब आया तो साउथ सिटी मॉल से थोड़ा सा आगे आने से 30-40 सेकंड की डिस्टेंस में आपका ये कैफे है। तो गूगल में मैं तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो हम लोगों का सब्सक्राइबर्स है, जो हम लोगों का फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों के आने में ईजी होगा। और आपका तो ये एम्बियंस जो आपने बनाया है, तो क्या थिंक प्रोसेस क्या था कि ऐसा एक अलग सा, मैंने बहुत सारे कैफे देखे कहीं पर भी मुझे वैसा एक रिलैक्सिंग चेयर नहीं मिला था, और यहाँ पर एक साइकिल लगा हुआ है जहाँ पर फूड को डायरेक्टली साइकिल के जो चक्के होते हैं उसके माध्यम से आप लोगों ने दिखाया है। देखिए, जो हम लोग का मेन प्रोसीजर है बिहाइंड हम लोग मेन स्केल नहीं होना चाहिए, जो हमारा नाम सजेस्ट करता है वर्क, यानी कि कोई भी वर्क से आप आइए, वो चाहे उच्च या नीच कोई भी वर्क से आपको, आप यहाँ पे आके दो पल का मतलब खुशी मिल सके आपको, तो चाय आप दोस्तों के साथ बांट सके, ये थिंकिंग प्रोसीजर लेके हम लोग ने बनाए। यहाँ पे चाय भी 10 रुपए का मिल जाता है, 12 रुपए का मिल जाता है, कॉफी 10 रुपए का, कैफे में 10 रुपए का चाय। वाओ, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कैफे में आके 10 रुपए का चाय। तो 10 रुपए का चाय मिल जाता है, यहाँ पे सैंडविच वगैरह 59 की मिल जाएगी, मैगी आपको 59 की मिल जाएगी, और क्या चाहिए रेही में इतना कम प्राइस में कभी भी। उसके ऊपर से कुछ कॉम्बोज भी अभी है हमारे यहाँ पे, न्यूयर कॉम्बोज, कुछ सिग्नेचर कॉम्बोज है, तो और आपके सब्सक्राइबर के लिए उसमें कुछ भी करें। अच्छा, यार मेरा सब्सक्राइब आपने ऐसे बोल दिया तो क्या बेनिफिट मिल सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स को? जैसे देखिए, हमारे यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो तो आप सब मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल ही देगा, तो वहाँ पर प्राइसिंग ऐसे भी लो 300 रुपये, अगर कोई 300 रुपये एंड अबव अगर कोई जाके बिलिंग करता है तो उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, और 500 प्लस अगर कोई बिल करता है उसको 10% डिस्काउंट तो दिया ही जाएगा, उसके ऊपर से एक मॉकटेल हमारे तरफ से। वाओ, इट्स वेरी वेरी ग्रेट ऑफर फॉर द सब्सक्राइबर्स। मगर हाँ, आप लोगों को किंतु
जब यहाँ पर आएंगे और जो बिलिंग होगा, बिलिंग करने के पहले ही आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप 100% देसी का फैमिली मेंबर से, वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट या फिर आपका यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। बहुत अच्छा होगा अगर वो वीडियो आप शेयर करके हमारे कैफे को फेवर करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो भैया है उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया है, तो अगर हो सके आप लोग एक यहाँ पर जो फूड आप एंजॉय कर रहे हैं फेसबुक में आप अगर शेयर करते हैं कैसा लगा आप लोगों को टैग करके बर्ग कैफे को, तो इन लोगों जो ये काम कर रहे हैं एक कैफे में 10 रुपए से प्राइसिंग शुरू होता है एक चाय का और सैंडविचेस 39 से शुरू होता है, ये चीज और भी अच्छे तरीके से कबाब 69 में आते हैं यहाँ कबाब 69 में, तो इतना कम प्राइस में कोलकाता जो लोग यहाँ पर कोलकाता में रहते हैं उन लोगों को अच्छा एक फूड एक अच्छा कैफे यहाँ पर जो दे रहे हैं ये लोग उसको और भी अच्छे तरीके से सर्व कर पाए अच्छा क्वालिटी दे पाए, इसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू, अभी मैं भी ट्राई करने वाला हूँ आप लोगों का जो कॉम्बोज है, देखता हूँ कैसा है और आप लोग उसके बाद फीडबैक शेयर करते हैं। और फाइनली मेरे हाथ में आ गया है मेनू कार्ड वर्क द कैफे का, अब मैं यहाँ पर चेक कर रहा था जैसे कि उस टाइम बोले रहे थे कि 10 रुपए से यहाँ पर चाय शुरू होता है और सैंडविच शुरू होता है 39 से, मैगी भी 39 से और उसके साथ साथ बहुत सारा कॉम्बोज भी है, कुछ सिग्नेचर कॉम्बोज भी है, तो मैंने ऑलरेडी सिग्नेचर कॉम्बोज यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, आप लोग को बोल भी देंगे जब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा कि क्या क्या है और उसी हिसाब से आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को ललचाएंगे ताकि आप लोग यहाँ पर आए और खाए, और खाने के साथ साथ आप लोगों को तो दो चीज मिल ही रहा है, एक है 300 के ऊपर ऑर्डर करने से 10% का डिस्काउंट और 500 के ऊपर ऑर्डर करने से 10% का डिस्काउंट, उसके साथ साथ एक मॉकटेल। तो लेट मत कीजिएगा, जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है जल्दी से आ जाइए और अभी तक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है सब्सक्राइब द चैनल 100% देसी, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड गिव योर कमेंट और जल्दी से यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन दिखा के अपना फूड एंजॉय कर लीजिए। हम लोगों को बाहर में एक जगह में बैठने के लिए मिल गया है, जैसे कि बाहर थोड़ा सा रश था तो इसीलिए मैं बाहर नहीं बैठ पा रहा था, अंदर में बैठा, तो बाहर में यहाँ पर एक टेबल मुझे मिल गया है जहाँ पे बैठ के खाने में एक ठंडे के मौसम और बाहर बारिश हो रहा है मज़ा अलग आने वाला है। मगर अभी तक मेरे साथ जो कैमरा में थी आप लोग उनको जानते हैं, वो भी आज मेरे साथ फिर से आई है और दिखाते हैं आप लोगों को, उनको और मुलाकात करवाते हैं, चलिए। और मेरे साथ जो है उनके हाथ में आ गया है ऑलरेडी फ्राइज एंड चाय, तो कभी कोई कैफे में देखे मिट्टी के भाड़ में जो बंगाल में होता है माटी भाड़े चाय, वो कभी आपने देखे कोई कैफे में? बहुत चाय पीने का मन हो रहा है क्या आपको? इसलिए मतलब आंखों में नींद और हाथों में चाय ऐसा हो गया है। मैं मिट्टी बन गया। क्या क्या? मैं मिट्टी के बाहर में चाय लेके मैं मिट्टी बन गई। मिट्टी बन गई हो? वाह। मैं नहीं पाड़ी हूँ। क्यों? अरे चाय इतना डूबा हुआ है। पकड़ता हूँ मैं। चाय इतना डूबा डूबा हुआ है ये गिर जाएगा फिर। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे? अच्छा चलिए, तो और आप चाय पी के थोड़ा सबको बताइए कि कैसा है। बहुत अच्छा है ये, क्या आप तब से फ्रेंच फ्राई हाथ में लेके बैठे हुए हैं, मुझे लगता कि आप चाय में डुबो के डिप करके पीने आने वाले हैं। बहुत अच्छा अलग फ्लेवर है। अलग फ्लेवर है, चलिए हम भी पीते हैं और देखते हैं। तो मेरे हाथ में भी ये चाय आ गया है और उसके साथ साथ फ्रेंच फ्राई, जैसे कि ये कॉम्बो है दो चाय और एक प्लेट फ्रेंच फ्राई का जो कॉस्ट है 69 रुपीज, ये मेरे हाथ में ऑलरेडी है। तो शाम का टाइम होने चला है अप्रॉक्स, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है 4:30 बज रहा है, तो इंजॉय करते हैं चाय को।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिल्क टी है, आप लोगों को देखने से मालूम चल जाएगा मिल्क टी है। ये देखिए कैसे दिखाए ऐसे, ये ऐसे की मिल्क टी है। और उसके साथ साथ चाय में इलायची का एक फ्लेवर आ रहा है, गरम गरम चाय ठंडे के मौसम में एक अलग अलग लेवल अलग क्रिएशन है, रियली नाइस। और उसके साथ साथ कोई ये फ्रेंच फ्राइज, इसके बारे में तो अलग से कुछ बोलना नहीं है, मगर हाँ देखना है कि इसके ऊपर में जो मसाला दिया हुआ है, ये देखिए इसमें सारा यहाँ पर बहुत सारा मसाला दिया हुआ है, तो देखते हैं कि कैसा है फ्रेंच फ्राइज, जैसे नॉर्मल होता है तो वैसा ही होगा, बट थोड़ा नमक कम है, मगर प्लीज एडजस्टेबल मसाला का एक अच्छा सा फ्लेवर भी मिल रहा है। और उसके साथ ये गर्म चाय के साथ ये फ्रेंच फ्राइज अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है, ठंडे के मौसम में मजा आ रहा है, मुझे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चार पांच कप आपको सिर्फ चाय पिलाने छोड़ दिया आज? नहीं ये सही बन रहा हूँ, खाली चाय और मैं फ्रेंच फ्राइज। हाँ आप तो बोल रहे थे कि चाय इतना अच्छा लग रहा है, तो बाकी का आपको आइटम नहीं खाना है? बहुत अच्छा है। ओके चलिए तब तक लेते हैं चाय पे चुस्की देते हैं और एंजॉय करते हैं चाय, जब तक हम लोगों का दूसरा आइटम्स ना आ जाए। तो हम लोग का सेकंड आइटम ऑलरेडी आ चुका है, वेज चाउमीन विथ चिकन बेल पेपर, और ये कॉम्बो का प्राइस है 99 रुपीज। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चाउमीन का क्वांटिटी तो अच्छा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वेजेस भी दिया गया है, दैट्स नाइस। और उसके साथ जो चिकन का साइज है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, ऐसा आप लोगों को चिकन का साइज मिलेगा और क्वांटिटी रहेगा एक दो तीन, तीन पीस रहेगा। और जो स्मेल आ रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है, लग रहा है कि ऑसम होने वाला है, तो खा के चलिए खाते हैं और खा के आप लोग बता दीजिए कैसा है इसका टेस्ट। इसको रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा ग्रेवी ले लेते हैं पहले, और करते हैं टेस्ट। ऑसम, रियली रियली नाइस, जो एक गार्लिक का जिंजर का एक टेस्ट मिल रहा है, और उसके साथ जो उसका एक एरोमा आ रहा है ना, ये ठंडे के मौसम में एक स्पाइसी फ्लेवर इवनिंग में एक अलग एनर्जी। Awesome. उतना भी स्पाइसी नहीं है, हाँ स्पाइसी है, मगर उतना भी स्पाइसी है कि आप लोगों को बहुत तीखा लगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए जो आउटर कोटिंग है बहुत ही लाइट सा दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ऐसे ये चिकन अलग हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बना है। I really like this item. And finally, हम लोगों का मेन जो सिग्नेचर कॉम्बो डिश है वो आ चुका है, और इसका नाम है कुकड़ियों की बकेट। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन विंग्स, चिकन स्ट्रिप्स, उसके साथ चिकन पॉप्स और फ्राइज दिया हुआ है, और उसके साथ दिया गया यहाँ पर टोमेटो केचप एंड मेयोनीज, और उसके साथ जो मेन चीज है वो है मॉकटेल, ये मॉकटेल भी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ये मॉकटेल से। हाँ हाँ वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। और इसके बारे में क्या बोले, ठंडे के मौसम में ऐसा ठंडा ठंडा मॉकटेल अगर मिल जाए मजा अलग है। स्टार्टिंग हुआ था चाय से और लास्ट में चल रहा है मॉकटेल, वाओ नाइस। तो फ्राइज के बारे में तो आपको अलग से कुछ फीडबैक नहीं देना है, वो तो जैसे होता है वैसा ही है, मगर
पहले भी मैंने जैसे बोला चाय पीने के टाइम में जो इसमें इसके ऊपर जो मसाला दिया हुआ है वो एक अलग लेवल क्रिएट कर दे रहा है एंड आई लव प्राइस। और अभी बारी है ये पॉप्स का। रियली नाइस। इसके अंदर छोटा छोटा करके चिकन का पीसेस दिया हुआ है, ऊपर में एक लाइट हल्का सा कोटिंग है, बहुत ही क्रंची है, क्या बोले। शाम के टाइम में अगर ऐसा मिल जाए बात ही अलग है, क्या कहना उसके बाद। और जैसे कि आज सुबह से कंटिन्यूसली हल्का हल्का करके बारिश हो रहा है, तो बारिश के मौसम में मिल गया मुझे ये सब छोटा छोटा मगर मोटा आइटम। रियली नाइस। अभी हम लोग बेबीज से पहुंच जाते हैं उनके बड़े भैया की तरफ। चिकन विंग्स साइज काफी अच्छा है, ये एक साइज है, ये एक पीस है और उसके साथ साथ ये एक दिया गया है, साइज काफी अच्छा है। और उसको पहले ऑपरेशन करके देखते हैं कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोटिंग देखिए, एकदम पतला एक कोटिंग दिया हुआ है। और चिकन का क्वांटिटी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, अच्छा है। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ इसको, ले लिए थोड़ा सा सॉस और उसके साथ मेयोनेज़ थोड़ा सा। रियली नाइस। जो प्रिपरेशन है मुझे इतना लगता है कि इसको मेरिनेट करके मिनिमम 24 आवर्स रखा गया था, उसके बाद ही इसको बनाया गया, इसको प्रिपरेशन किया गया। नहीं तो अंदर से इतना बढ़िया टेस्ट मिलना संभव नहीं है, इट्स मोर देन इम्पॉसिबल। मिनिमम 24 आवर्स अगर मेरिनेट नहीं किया जाएगा तो। बाहर में क्रंचीनेस और अंदर में ऐसा एक टेस्ट। रियली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आइटम एंड आई विल लाइक टू रिकमेंड यू टू ट्राई दिस ऑल्सो। इसके ऊपर उसको बकेट। तो चलिए मैं ये आइटम्स कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। सो फाइनली मैंने तो सब आइटम्स कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को दिखा भी दिया है कैसा है। रियली द चिकन वॉज रियली जूसी एंड वेरी टेस्टी, ऑल द आइटम्स आर वेरी टेस्टी। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल पीपल, यू कैन कम विजिट दिस प्लेस एंड एंजॉय द फूड हियर। सो अभी तक बस इतना ही आज के लिए और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नया ब्लॉग पे और एक नया जगह में और एक शायद और उससे भी ज्यादा नया फूड आइटम्स लेके। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फूडी। यो।